देखिए लास्ट सम्स भी आपका 1+ AB वाला जो सम्स था वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं था, क्योंकि वो ट्रांजिटिव नहीं था। रिफ्लेक्सिव था, सिमेट्रिक था, बट ट्रांजिटिव नहीं था। ये एक एग्जांपल है, देखिए ये भी चेक करना है रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, सिमेट्रिक है कि नहीं, ट्रांजिटिव नहीं है कि नहीं। तो देखिए, तो आप सिमिलर मेथड में करिए, वीडियो को पॉज कर लीजिए और आंसर देख लीजिए। ओके, तो क्या करना है, रिफ्लेक्सिव के लिए आपको जेड से एक एलिमेंट लेना है। तो आप लेफ्ट साइड में यहाँ पे बी के जगह पे क्या करना है, ए पुट कर देना है। तो मॉडुलस ऑफ ए, तो देखिए ए माइनस ए क्या होता है, जीरो। जीरो का अमाउंट क्या होता है, जीरो। तो जीरो तो मल्टीपल ऑफ जीरो, जीरो इज ए मल्टीपल ऑफ फोर, जीरो विच इज मल्टीपल ऑफ फोर। आप बोलेंगे मल्टीपल जीरो कैसे फोर का मल्टीपल हो गया। देखिए बेटा, फोर के टेबल में जो जो आता है वो सारे मल्टीपल ऑफ फोर होता है। देखिए, फोर वन जा फोर, फोर टू जा एट, फोर थ्री जा ट्वेल्व। तो फोर एट ट्वेल्व सिक्सटीन ट्वेंटी, दीज आर मल्टीपल ऑफ फोर। अब देखिए, आप बोलेंगे तो फोर जीरो जा क्या होता है, जीरो ही होता है। फोर माइनस वन जा क्या होता है, माइनस फोर। फोर माइनस टू जा क्या होता है, माइनस एट। फोर माइनस थ्री जा क्या होता है, माइनस ट्वेल्व। सो देखिए, जीरो माइनस टू माइनस एट माइनस फोर माइनस ट्वेल्व, ये सारे भी मल्टीपल ऑफ फोर होता है। क्योंकि देखिए, फोर जीरो जा जीरो होता है, इसीलिए जीरो का टेबल हम पढ़ते ही नहीं है। फोर का टेबल जीरो से पढ़ते ही नहीं है, क्योंकि फोर जीरो जा जीरो ही होता है, समझे। तो ऑलवेज रिमेंबर, जीरो इज डिविजिबल बाई एनी नंबर, जीरो इज डिविजिबल बाई एनी नॉन जीरो नंबर। मतलब फोर फाइव सिक्स, जीरो से कोई भी नंबर डिविजिबल, वो सारे जीरो इज मल्टीपल ऑफ एनी नंबर। ओके, जीरो इज मल्टीपल ऑफ जीरो ऑल्सो, क्योंकि जीरो वन जा जीरो, जीरो जीरो जा जीरो। ओके, तो बट डिविजिबल बाई जीरो नहीं है, जीरो इज नॉट डिविजिबल बाई जीरो, क्योंकि जीरो बाई जीरो क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। तो विच इज मल्टीपल ऑफ फोर। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन सिर्फ चेंज कर देगा, मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज डिविजिबल बाई फोर, मल्टीपल ऑफ फोर जो होता है वो डिविजिबल बाई फोर होगा ही। ओके, फोर के टेबल में जितना नंबर आता है, देखिए ना, डिविजिबल बाई फोर होता है ना, फोर के टेबल में डिविजिबल बाई जितना नंबर आता है सारे नंबर्स डिविजिबल बाई फोर होता है। देखिए ना, फोर के टेबल में सिक्सटीन आता है, सिक्सटीन तो डिविजिबल बाई फोर होता है, सिक्सटीन के फोर के टेबल में तो सिक्सटीन आता ही है। चलिए, तो यहाँ पे क्वेश्चन को चेंज कर दे, एग्जाम में क्वेश्चन को चेंज कर दे सकते हैं, मल्टीपल ऑफ फोर की जगह पे डिविजिबल बाई फोर दे ही सकते हैं। तो आप यहाँ पे मल्टीपल ऑफ फाइव भी दे सकते हैं, एन भी दे सकते हैं, के भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। के इज इंटीजर्स फॉर सम इंटीजर या नेचुरल नंबर। ओके, चलिए, तो ये रिफ्लेक्सिव हो गया है। ओके, तो देयरफॉर आर कॉमा ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ये रिफ्लेक्सिव हो चुका है। अब सिमेट्रिक के लिए क्या करना है, वही चीज़ है, वेरी सिंपल। ए बी बिलोंग्स, दो एलिमेंट लेना है, ए बी बिलोंग्स टू जेड, सच दैट एक ही लैंग्वेज, एक ही भजन। ओके, एक ही भजन। तो दिस इंप्लाइज ए बी बिलोंग्स टू आर, मतलब क्या है, मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ फोर, इज ए मल्टीपल ऑफ हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं कर रहे बेटा, वेरी सिंपल। तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे माइनस कॉमन ले लीजिए। तो आपको दिखाना क्या, लास्ट लाइन क्या है, पी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर दिखाते हैं, तो प्रूव हो जाएगा। बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर मतलब क्या है, मॉडुलस ऑफ बी माइनस ए इज ए मल्टीपल ऑफ फोर, ये दिखा देने से हो जाएगा मल्टीपल ऑफ फोर। देखिए, माइनस जब कॉमन लेंगे, इज ए मल्टीपल ऑफ फोर, देखिए माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यही तो आएगा। आपको बताया था मॉडुलस ऑफ माइनस के क्या होता है, क्या होता है, मॉड के होता है। अब लिख सकते हैं मॉडुलस ऑफ माइनस के क्या होता है, मॉड के जो बराबर होता है। तो ये मॉड क्या करता है, माइनस को खा लेते हैं। तो इसके बाद वाला लाइन ये है, तो प्रूव हो गया, सिमेट्रिक भी हो चुका है। अब ट्रांजिटिव के लिए क्या करना है, ट्रांजिटिव के लिए देखिए आपको तीन एलिमेंट लेना है, ए बी सी बिलोंग्स टू जेड, ए बी सी और थ्री एलिमेंट ऑफ जेड, मतलब ए बी सी कोई भी तीन इंटीजर है, सच दैट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। ओके, ए बी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, सॉरी ए बी और सी के साथ क्या रिलेशन है, ए बी को दोस्त मानते हैं, बी सी को दोस्त मानते हैं, इंप्लाई करना चाहिए ए सी को दोस्त माने, तभी हो जाएगा ट्रांजिटिव। देखिए, ये रिलेशन क्या लग रहा है, क्या ट्रांजिटिव होगा, आपको लग रहा है कि नहीं होगा, नहीं, ये रिलेशन ट्रांजिटिव है। तो प्रूव कर देते हैं, देखिए ए बी बिलोंग्स टू आर क्या है, तो ए माइनस बी आपको प्रैक्टिस से आएगा और सोचने से आएगा, ऐसे नहीं आएगा, मल्टीपल ऑफ फोर। तो ए माइनस बी, देखिए ए बी बिलोंग्स टू आर मतलब क्या है, मॉडुलस ऑफ ए माइनस ए और बी के साथ क्या रिलेशन है, मॉडुलस लेंगे ए माइनस बी का, वो मल्टीपल ऑफ फोर होगा। अब देखिए बी सी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब क्या है, बी और सी में क्या रिलेशन है, बोले मॉडुलस बी माइनस सी करो, मॉडुलस लो, वो मल्टीपल ऑफ फोर आएगा। तो एंड
बी माइनस बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर मतलब क्या है, मॉडुलस ऑफ बी माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ फोर, इज ए मल्टीपल ऑफ फोर। देखिए मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी, फोर के टेबल में जितना नंबर आता है वो सारे मल्टीपल ऑफ फोर होता है, तो मतलब फोर इंटू समथिंग ऑलवेज डिविजिबल बाई फोर होता है, फोर इंटू समथिंग ऑलवेज मल्टीपल ऑफ फोर होता है। ओके तो ए माइनस बी का मॉड इच के जगह पे इक्वल लीजिए, मल्टीपल ऑफ फोर के जगह पे हम फोर के वन लिख सकते हैं, क्योंकि फोर इंटू फोर के टेबल में जितना नंबर आता है, देखिए फोर इंटू के वन, फोर इंटू टू, देखिए के वन अगर वन लेंगे तो फोर इंटू वन फोर, के वन अगर टू लेंगे फोर इंटू टू एट, के वन अगर थ्री लेंगे तो फोर थ्री जा ट्वेल्व, तो के वन अगर माइनस वन लेंगे फोर माइनस वन जा माइनस फोर, के वन अगर जीरो लें फोर इंटू जीरो जा जीरो। तो ऑल नंबर्स इस फॉर्म में मल्टीपल ऑफ फोर को हमने ऐसे लिख सकते हैं, एंड मॉडुलस ऑफ बी माइनस सी ऑल्सो आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे के वन ले लिया तो यहाँ पे के टू ले लीजिए। ओके आपको लास्ट लाइन क्या टारगेट है, लास्ट लाइन दिखाना है कि मॉडुलस ऑफ ए माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ इज ए मल्टीपल ऑफ फोर। ओके मॉडुलस ऑफ मतलब ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, ये तो दिखाना है, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर ये दिखाना है, उसका मतलब क्या है, ए माइनस सी मॉडुलस ऑफ ए माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ फोर दिखाने से हो जाएगा। अब इसका पहला वाला लाइन क्या है, ए माइनस सी का मॉड अगर फोर इंटू समथिंग दिखा दे तो प्रूफ हो जाएगा। चलिए करते हैं, तो नाउ से स्टार्ट करिए। तो इसके लिए एक ट्रिक है, आपको इसके बाद आपको क्या करना है, हम यहाँ पे लिखते हैं नाउ से स्टार्ट करिए। नाउ आपको ए माइनस सी अगर डिविजिबल बाई फोर, सॉरी मल्टीपल ऑफ फोर, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है मल्टीपल ऑफ फोर, तो मल्टीपल ऑफ फोर से बोल रहे हैं आपको, तो मॉडुलस ऑफ ए माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ फोर दिखाने के लिए एक ट्रिक देखिए, हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे माइनस है तो हमने यहाँ पे माइनस भी ऐड किया, तो माइनस भी ऐड किया मतलब क्या, प्लस भी करना पड़ेगा तभी ये वैनिश होके जीरो आएगा, तो माइनस सी, देखिए ये बी भी कैंसिल, समझिएगा बी भी कैंसिल हो जाएगा तो ए माइनस सी बचेगा, इसके जगह पे हम ये लिख सकते हैं क्योंकि बी भी कट करेंगे तो यही आएगा, इसके जगह पे तो हम ये लिख सकते हैं, तो हमने एक ब्रैकेट दे दिया अब। ओके तो देखिए ए माइनस बी का वैल्यू क्या है, फोर के वन, तो इसमें पुट कर दीजिए तो फोर के वन प्लस के बदले प्लस, ए माइनस बी माइनस सी का वैल्यू क्या है, बी माइनस सी का वैल्यू क्या है फोर के टू, तो बी माइनस सी की जगह पे फोर के टू पुट कर दीजिए। ओके इसके बाद तो मॉडुलस ऑफ अंदर से फोर कॉमन ले लीजिए, तो फोर के वन प्लस के टू, ये के वन प्लस के टू को आप के मान लीजिए कुछ भी। अच्छा देखिए हम एक काम करते हैं, एक फॉर्मूला क्लास टेन प्रीवियस क्लास में पढ़े थे इलेवेंथ में, मॉडुलस ऑफ ए बी क्या होता है, मॉड ए इंटू मॉड बी। ओके कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है, मॉडुलस ऑफ जेड वन इंटू जेड टू क्या होता है, मॉड जेड वन इंटू मॉड जेड टू। तो कॉम्प्लेक्स ऑल देखिए आप जानते हैं ऑल रियल नंबर्स आर कॉम्प्लेक्स नंबर, तो और ए भी दो रियल नंबर है तो मॉडुलस भी अलग हो जाता है। ओके मतलब क्या है, दो आदमी एक एक रूम में बंद था, ए और बी दो आदमी एक रूम पे बंद था, रूम है। ओके आप क्या किया, दोनों को क्या किया, अलग रूम पे भेज दिया, मॉड ए इंटू मॉड बी। ओके तो यहाँ पे भी देखिए ये फॉर्मूला अगर अप्लाई कर दे यहाँ पे, तो मॉडुलस ऑफ फोर इंटू के वन प्लस के टू, इसका मतलब क्या, मॉड फोर इंटू मॉड के वन प्लस के टू। ओके तो मॉड फोर क्या होता है, आपको बताया था कि फोर होता है, इंटू आप मॉडुलस ऑफ के वन प्लस के टू, तो मॉडुलस ऑफ के वन प्लस के टू आपको के मान सकते कैपिटल के। तो देखिए तो आपको टारगेट क्या था, ए मॉडुलस ऑफ ए माइनस सी फोर इंटू समथिंग दिखाना था, तो मॉडुलस ऑफ ए माइनस सी फोर इंटू समथिंग दिखा दिया, तो विच इज ए मल्टीपल ऑफ फोर, तो मॉडुलस ऑफ फोर माइनस मॉडुलस ऑफ ए माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ फोर, देयरफॉर क्या है, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, देयरफॉर आर इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन बिकॉज सिंस इट इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक इंटेंसिटी। थैंक यू, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और दोस्तों से शेयर कर दीजिए अगर अच्छा लगे तो। थैंक यू वेरी मच।